हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा, आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में यहां पर सीखने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। आप सभी लोग जानते हो कि 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपका होता है 1/√1 − x². दूसरा हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपका कितना होता है? −1/√1 − x². ये मैंने आप लोगों को बताया है एक बार कि जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति फलन सी से स्टार्ट होगा या सीओ से स्टार्ट होगा तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो आपका माइनस चिन्ह के साथ होता है। इतनी बात समझ में आई? तीसरा जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है वो आपका होता है टैन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका होता है 1/√1 + x². चौथा हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है कॉट इनवर्स एक्स, ये सी से स्टार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो माइनस के साथ होगा, −1/√1 + x². ये आपके चार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो गए। फिर पांचवा हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका होता है 1/√x² − 1। और इसी क्रम में छठवां हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है कोसेक इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये सी ओ से स्टार्ट या सी से स्टार्ट इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस का −x√x² − 1 होता है। यहां तक आप लोगों ने फार्मूलों को याद करना सीख लिया होगा। अब आज हम इसी क्रम में इन फार्मूलों को प्रूव करना सीखेंगे कि इन फार्मूलों को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1/√1 − x² होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स −1/√1 − x² होता है। तो बहुत ध्यान से क्लास को देखने का प्रयास करना, हम छहों प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को प्रूव करना आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पर विद इन टू मिनट्स के अंदर आप जो है सारे फार्मूलों को प्रूव करना सीख जाओगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है इधर, तो आप ध्यान से देखने का प्रयास करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं क्योंकि ये फार्मूले तो आप लोगों ने अवकलन चैप्टर को पढ़ने से पहले भी पढ़ा होगा। अब आज यहाँ पर हम इनको प्रूव करना सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में साइन इनवर्स एक्स का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वह 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में सबसे पहला प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी दिए गए फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन को हम वाई के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना वाई इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स एक्स है। उसके बाद अगर देखें तब इसको हम ये लिख सकते हैं, तब x को रोकेंगे, साइन इनवर्स को दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ये x² ये आपका हो जाएगा साइन y। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। फिर यहाँ पर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका करेंगे? साइन y का करेंगे। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये साइन x के रूप में लिखा हुआ है, x के स्थान पर y है, इस बात को ख्याल रखना। अगर x होता यहाँ पर तो साइन x का अवकलन cos x हो जाता और x का अगेन आपका 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर y है तो साइन y का अवकलन आपका हो जाएगा cos y। आप y को x मान के चलिए, फिर y का अगेन डिफ्रेंसिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात समझ में आ गई? cos y को दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये 1 के बटे में आ जाएगा cos y इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका हो जाएगा? वाई का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसको इधर लिख लिया, अब इसको इधर लिखेंगे इक्वल टू 1/cos y,
हमने देखिए एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला, हमने फार्मूला पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना सभी लोगों ने। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही मैं कॉस वाई के स्थान पर लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं, हमने इस फार्मूले से कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वैसे कॉस वाई को लिख लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखिए हमने साइन वाई किसके बराबर माना है, एक्स के बराबर, और साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस वाई के स्थान पर लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स, और साइन वाई के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इधर हम थोड़ा लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई। वाई किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स। आप यहाँ पर इसको समीकरण एक भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर लिख सकते थे कि समीकरण एक से मान रखने पर। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, वन अपान अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, यानी साइन वाई एक्स के बराबर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेम ऐसे ही आपको कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालोगे तो माइनस का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि माइनस का कैसे आएगा, तो मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए जब आप कॉस इनवर्स एक्स का निकालोगे, मैं इसी में समझाते चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। बहुत सिंपली समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से अगर एक्स को रोकेंगे तो कॉस इनवर्स दूसरे पक्ष में आएगा, तो ये कॉस वाई बन जाएगा ना। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस वाई। अब कॉस वाई का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन वाई होता है, तो इस कॉस के स्थान पर माइनस का साइन वाई लिख दीजिए, बस आई बात समझ में। अब यहाँ पर भी आप साइन वाई लिखोगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ लिखना होगा क्योंकि माइनस है। अब साइन वाई को लिख सकते हो, देखिए माइनस आपका लगा रहेगा, साइन वाई को लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। और कॉस वाई किसके बराबर, एक्स के, तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई है, तो ये आपका बस माइनस लग जाएगा, बस यहाँ पर माइनस था ना तो माइनस लग जाएगा, बाकी आप देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इस प्रकार कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो माइनस का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आप लोगों के लिए कितना सरल है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना, ये आप देख रहे हो। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को टैन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना सिखाऊंगा, और कोट इनवर्स एक्स का आप अपने आप कर लोगे, फिर सेक इनवर्स एक्स का भी सिखा दूंगा जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रफ करता हूँ। तो अब दूसरा हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है टैन इनवर्स एक्स। हमें क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो वैसे ही क्या करेंगे, इस दिए गए फंक्शन को वाई के बराबर सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि माना जो टैन इनवर्स एक्स है वो वाई के बराबर है। तो यहाँ से जब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तो वो आपकी टैन वाई प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में, इसको आप समीकरण एक मान सकते हो। यहाँ पर लिखना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टैन वाई। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन वन होता है, टैन वाई ये टैन एक्स के रूप में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि टैन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई लिख देंगे और वाई का अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक स्क्वायर वाई इसके बटे में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वन अपान सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू वन अपान सेक स्क्वायर वाई को मैं ले सकता हूँ वन प्लस टैन स्क्वायर वाई। अब हम देखें तो टैन वाई किसके बराबर है, एक्स के, तो टैन स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई, वाई के स्थान पर कितना लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स, यानी जो टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो कितना होगा, वन अपान इक्वल टू लगा दीजिए वन प्लस
टेन स्क्वायर वाई यानी एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स का जो आपका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब कॉट इनवर्स का निकालने के लिए जहाँ जहाँ टेन इनवर्स है वहाँ वहाँ पर आप कॉट इनवर्स कर देना और उसके बाद कॉट वाई का जो अवकलन करोगे तो वो माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। बस इतना याद रखना, माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, बाकी आपका इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना आ गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को एक और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फॉर्म बता देता हूँ, सेक इनवर्स एक्स। चलो सेक इनवर्स एक्स नहीं, मैं कोसेक इनवर्स एक्स बताता हूँ, थोड़ा एक विपरीत ले लूँ मैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोसेक इनवर्स एक्स का बताने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको रफ करें, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला तीसरा मैं ले रहा हूँ कोसेक इनवर्स एक्स, यानी हमें कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको वाई के बराबर मान लेंगे हम कि कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो वाई के बराबर है। तब यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कोसेक वाई के बराबर हो जाएगी। आई बात समझे? अब यहाँ से अगर देखें तो इसको हम समीकरण एक मान सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष इसको अवकलित करेंगे तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक वन होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोसेक वाई, कोसेक वाई में आपका सी ओ या सी आ रहा है तो इसका अवकलन माइनस का होगा, जाहिर सी बात है। तो कोसेक वाई का जो अवकलन हो जाएगा वो माइनस का कोसेक वाई इंटू कॉट वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स के स्थान पर वाई है तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा वन अपान, यह पद आपका गुणे में ही बटे में आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ से अगर देखें तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपान कोसेक वाई इंटू कॉट वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सोचना यह है कि हमने कोसेक वाई इज इक्वल टू एक्स माना है तो कोसेक वाई को नहीं चेंज करना है, हमें किसको चेंज करना है, कॉट वाई को चेंज करना है। यहाँ पर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यहाँ से अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो आएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आप इस समीकरण से निकाल सकते हो। तो ये आपको हो जाएगा माइनस वन बाई कोसेक वाई और कॉट वाई को ले सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर वाई माइनस वन। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई, वाई किसको माना कोसेक इनवर्स एक्स को, इक्वल टू माइनस वन अपान कोसेक वाई किसके बराबर एक्स के, अंडर रूट कोसेक वाई एक्स के बराबर तो कोसेक स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा माइनस वन। तो आप देख सकते हो कि कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो कितना होता है माइनस का वन अपान अंडर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी प्रकार आप सेक इनवर्स एक्स का फाइंड कर सकते हो, वो आपका पॉजिटिव आएगा, बस फर्क इतना ही होता है। तो आई होप आप लोगों को इन छह प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।